नमस्कार, मैं जनमतदाता श्री ओमकांत। बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार बोरिस जॉनसन ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया है। दरअसल उनकी पार्टी 650 जो संसद की सीटें हैं, लोअर सदन की जो वहां पर सीटें हैं हाउस ऑफ पीपल की, उसके अंदर 650 सीटों में से 337 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है कंजर्वेटिव पार्टी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी, जो कि भारत विरोधी बातचीत कर रही थी और उसको लिबरल या लेफ्ट कहा जाता है, निश्चित तौर पर उनको करारी हार हुई है। 200 सीटें भी वो जीत नहीं पाई और ये बहुत बड़ी जीत है भारत वंशियों की भी, क्योंकि भारत वंशियों ने जब से कश्मीर को लेकर लेबर पार्टी की तरफ से बयान आया था तो करीब 40 सीटों पर भारत के लोगों ने, जो प्रो इंडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने प्रचार किया था और उसमें से 10 सीटें अब तक कंजर्वेटिव पार्टी जीत चुकी है। इस बात की घोषणा भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही एक सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि चुनाव में कश्मीर मसले ने बड़ा रोल निभाया है और इसकी वजह से भारतीयों ने हमें वोट दिया और हम कम से कम 10 सीटें अब तक इस वजह से जीत चुके हैं। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर ये भारतवंशी एक तरीके से गोलबंद हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से जेरेमी कॉर्बिन प्रो पाकिस्तान अपना स्टैंड लिए हुए थे और वो इस वजह ये थी कि जेरेमी कॉर्बिन जहाँ से जीतते हैं वहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं, तो जेरेमी कॉर्बिन की ये रणनीति थी कि वो तुष्टिकरण की रणनीति अपना रहे थे। लेकिन बाद में जब चुनाव नज़दीक आया तो जेरेमी कॉर्बिन ने भी इस बात पर एक लिपापोती करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि कश्मीर भारत का अपना अलग मसला है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो उनका आंतरिक मामला है, और इस तरीके से उन्होंने लिपापोती करने की कोशिश की थी। लेकिन जो भारतीय रहते हैं या भारतीय मूल के लोग रहते हैं ब्रिटेन में, वो जानते थे कि ये जेरेमी कॉर्बिन की जो फितरत क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, और इसीलिए उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को इस चुनाव में बड़ा सपोर्ट दिया और उसी सपोर्ट के दम पर अब कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ दोबारा से सरकार बनाने वाली है। स्वामीनारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम में भी बोरिस जॉनसन गए थे और उन्होंने तब कहा था कि इस देश में नस्लवाद या भारत विरोधी माहौल की कोई गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत विरोधी या हिंदू विरोधी भावनाओं का जिक्र हम यहाँ अपने देश में नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कि जब भारत ने 370 से हटाया था तब कुछ पाकिस्तानी और प्रो कश्मीरी गुटों ने कोशिश की थी कि भारतीय जो दूतावास है उसके बाहर प्रदर्शन करें, हिंसक प्रदर्शन करें, और उसको लेकर भी बोरिस जॉनसन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि को होने की अनुमति अपने देश में नहीं देंगे, और उन्होंने बाद में इसके लिए कदम भी उठाए थे, पुलिस कार्रवाई भी हुई थी। तो निश्चित तौर पर भारत को एक और अपना एक सहयोगी मिल गया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के जो संबंध हैं वो अब और ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि मैं अब बोरिस जॉनसन दोबारा से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनकर आ गए हैं, उनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो अब और ज़्यादा बेहतर होंगे और भारत के पक्ष में वो अच्छे समझौते करेंगे। निश्चित तौर पर यह बड़ी जीत इसलिए भी है कि अगर लेबर पार्टी, यानी कि जो लिबरल जिन्हें कहा जाता है या लेफ्ट जिन्हें कहा जाता है, वो अगर आते तो निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते, लेकिन बोरिस जॉनसन का जीतना सीधे तौर पर कश्मीर के मामले में भारत की एक बड़ी जीत है, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने पहले भी इस मुद्दे को लेकर यूएन में जिस तरीके से ब्रिटेन ने रुख अख्तियार किया था और उससे पहले पीओके को लेकर भी जिस तरीके से ब्रिटेन से समाचार आए थे कि ब्रिटेन की सरकार ने कह दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और इस पर वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो कब्जा है उसको नकारते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश के तौर पर भारत उस समय था और ब्रिटेन ने जब भारत को आज़ादी दी थी उस समय ये निश्चित कर दिया था कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आज गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है वो भारत को मिलना चाहिए, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो नैतिक तौर पर ये भारत की बड़ी जीत है और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है, और इसका एक मायना ये भी है कि बोरिस जॉनसन ने पिछले दिनों एक और बात कही थी कि ब्रिटेन का जो विकास है उसमें भारत वंशियों का, भारत से आए हुए लोगों का, भारतीय मूल के लोगों का बड़ा योगदान है और हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका हो, रूस हो, ये तो भारत के बड़े दोस्त हैं ही, और अमेरिका में तो भारतवंशी समुदाय की जो एक अपनी धमक है उसको सभी स्वीकार करते हैं, चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, लेकिन अब भारत की जो धमक है वो ब्रिटेन में भी सुनाई देने लगी है और ब्रिटेन की संसद में भी, संसद के चुनाव में भी भारतीय अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस बात को कंजर्वेटिव पार्टी भी स्वीकार कर रही है। इस तौर पर
ये एक बड़ा न्यूज है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका, और झटका ये कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस वही बातें कहती रही है जो कि पाकिस्तान कहता है, और कांग्रेस भी ये चाहती थी कि जेरेमी कॉर्बिन ने जब ये कहा था कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहते हैं, तो कांग्रेस इस बात को लेकर मीडिया में उतर गई थी और उसने कहा था कि भारत सरकार एक तरफ ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के सांसदों को बुला रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सांसद जेरेमी कॉर्बिन को आने की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इसको लेकर प्रोपेगेंडा किया जाए, भारत को बदनाम किया जाए, और उसी के तहत कांग्रेस ने ये सब किया। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमेशा देश के खिलाफ रहती है, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी पिछले दिनों जब देश में रेप की घटनाएं ज़्यादा समाचारों में आने लगी, तब कांग्रेस के अध्यक्ष ने और उससे पहले कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता थे अधीर रंजन चौधरी, उसने कहा था कि ये रेप इन इंडिया हो गया, और बाद में राहुल गांधी ने झारखंड के चुनाव में भी ये कहा कि पहले नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मेक इन इंडिया, लेकिन अब ये कहते हैं कि रेप इन इंडिया, जहां देखो वहीं रेप इन इंडिया, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आइए और भारत में उत्पादन करिए, उसी तरीके से अब आइए और भारत में बलात्कार करिए, ये उन्होंने कहने की कोशिश की। और जब इस पर आलोचना हुई तो राहुल ने कह दिया कि मैं इस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, न इनको वापस लूंगा इन शब्दों को। इसको लेकर आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, स्मृति ईरानी ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें करके राहुल गांधी ने देश की सभी महिलाओं का अपमान किया है और राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारत की महिलाओं का रेप करिए, इस तरीके की बातें करके राहुल गांधी सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में भारत का खून अगर उनके अंदर बहता है, वो भारतवंशी है, तो निश्चित तौर पर उन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मैं इस पूरे मामले से पूरी तरह आहत हूं, पूरा देश आहत है, और ऐसे व्यक्ति को इस सदन में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी के अंदर थोड़ी बहुत अगर पानी बचा है, उनके अंदर थोड़ा बहुत इज्जत बची है, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर सबसे अच्छा जवाब दिया डॉक्टर संजय जायसवाल ने, और उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि विदेशी माँ की औलाद कभी भी देशभक्त नहीं हो सकती, और आज ये बात पूरी तरह सिद्ध होती हुई दिख रही है, क्योंकि विदेशी औरत का बेटा राहुल गांधी आज जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहा है, उसकी माँ अभी भी पार्टी की अध्यक्ष है और एक महिला भी है, उसके बावजूद वो माफ़ी नहीं मांग रहा, तो निश्चित तौर पर आचार्य चाणक्य की बात आज भी साबित होती हुई नज़र आ रही है, उनकी भविष्यवाणी साबित होती हुई नज़र आ रही है, और इसी को लेकर तमाम पार्टी के और भी सांसद थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। और इसी बात को आगे जोड़ते हुए गिरिराज सिंह ने भी कहा कि अगर राहुल गांधी के अंदर भारत का खून है तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं के अपमान पर को लेकर, क्योंकि भारत के अंदर ये रिवाज रहा है कि यत्र नारस्तु पूजंती रमंते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, उनका सत्कार होता है, वहीं देवताओं का भी आगमन होता है। निश्चित तौर पर भारत में महिलाओं के सम्मान की एक पुरानी परंपरा है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है, उसके बावजूद अगर राहुल जैसे सोच के लोग, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी माता के जो पिता थे वो हिटलर की आर्मी में थे, और इसकी जो माता की माता थी यानी कि राहुल का नाना हिटलर की आर्मी में रहा, बाद में उसे पीओबी भी बनाया गया था, केजीबी का सदस्य भी बनाया गया था, और उसकी जो नानी थी वो मुसोलिनी की जो वॉलंटियर्स थे उसमें शामिल रही थी, तो निश्चित तौर पर ऐसे खानदान से संबंध रखने वाला व्यक्ति इसी तरीके की सोच रख सकता है, उससे और ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इस पर सभी सांसदों ने मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला सांसद इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं कि इस तरीके के बयानों की छूट नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर राहुल गांधी का जो ये बचकाना, वो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बाल अपराध की प्रवृत्ति है, राहुल गांधी के मस्तिष्क का विकास उस गति से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, और इस बात के गवाह हम भी हैं, क्योंकि पहली बार 1991 के बाद में जब सोनिया गांधी मथुरा में प्रचार करने गई थी, राहुल गांधी और प्रियंका साथ में थे, उस आधा घंटे की विजिट के दौरान राहुल गांधी किसी बच्चे की तरह से मंच से केवल हाथ हिलाता रहा था, जैसे कोई बच्चा अगर कहीं जा रहा होता है तो वो सभी से टाटा टाटा बाय बाय करता है, उसी तरीके से राहुल गांधी आधा घंटे तक हाथ हिलाता रहा था। तो राहुल गांधी की उस हरकत को देखकर हम भी समझ गए थे कि इस बालक का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है और ये मंद बुद्धि किस्म का बालक है, लेकिन बाद में वो पर्दे के पीछे चले गए थे, और बाद में जब उन्हें राजनीति में उतारा गया तो स्पष्ट हो गया, और आज पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी का मानसिक विकास अवरुद्ध हो चुका है, और एक मंद बुद्धि की तरह वो हमेशा हरकतें करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको और उनके पार्टी को हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जय हिंद।
जय भारत।